राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला द्रौपदी मुर्मू बनाम यशवंत सिन्हा के बीच होने जा रहा है। ओडिशा की पूर्व मंत्री और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं यूपीए और कुछ अन्य विरोधी दलों ने मिलकर संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व बीजेपी नेता और चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बीजेपी से गहरा और लंबा रिश्ता रहा है और उनके बेटे जयंत सिन्हा वर्तमान में भी झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सांसद हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 28 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इस बार देखना यह होगा कि देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन आगे आता है, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में राजनीतिक दलों की व्हिप का नियम लागू नहीं होता है।